वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो ब्रिज। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया भर में प्रोटेस्ट चल रहा है सीए बिल और एनआरसी को लेके, तो गवर्नमेंट ने नेट को बंद कर रखा था। तो 4-5 दिन से नेट की प्रॉब्लम चल रही थी, नेट बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। बट अभी नेट नॉर्मल हो गया है, तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूँ दोस्तों। और होपफुली कि आगे सही रहेगा, अगर कोई दंगा फसाद नहीं होता है तो नेट कंटिन्यू रहेगा, इंटरनेट आता रहेगा और मैं कंटिन्यू क्लासेस लेता रहूँगा। ठीक है, जो भी डिले क्लासेस के अंदर हो रहा है मैं माफ़ी चाहूँगा, बट आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि गवर्नमेंट के इशूज़ हैं कुछ। तो आई होप कि आप सारे बच्चे इस बात को समझते होंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी जो स्लाइड आप देख रहे हैं उस पर हमारी अनअकैडमी स्टूडियो ब्रिज की टीम आपको दिख रही है। ठीक है, वी आर द 6 फैकल्टीज टेकिंग द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द डिफरेंट ब्रांचेज। स्टार्ट करेंगे आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हम लोग SMD BMD पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाला आज हम लोग आगे। ऑलरेडी यू नो अबाउट मी, ये मेरी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो आप ऑलरेडी मुझे जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं। बाकी जो लोग पहली बार देख रहे हैं मुझे, तो आई विल से कि आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको मेरे बारे में लिटिल इंट्रोडक्शन पता चल जाए। मैं इतना बताना चाहूँगा कि मैं 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पर अनअकैडमी पर ले रहा हूँ। सुबह मॉर्निंग में 11 बजे से 11:30 तक जो YouTube पे क्लासेस चल रही है लाइव, वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, और इधर रात में 9 PM to 9:30 PM चल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दैट इज SOM फॉर बोथ सिविल एंड मैकेनिकल। ठीक है, और दोनों ही सब्जेक्ट गेट 2020 के हिसाब से भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसमें क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरे अलावा और भी एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। फैकल्टीज का प्रोफाइल कुछ इस तरह से आएगा जब आप अनअकैडमी को ज्वाइन करेंगे। अनअकैडमी प्लस ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में, अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत सारी खूबियाँ आपको मिलती हैं, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है शेड्यूल के अंदर, आप लैंग्वेज की चॉइस आपके पास अवेलेबल है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने एजुकेटर से चैट पर बात कर सकते हैं, इंटरेक्टिव पोल्स में हिस्सा ले सकते हैं, और द बेस्ट पार्ट जो हमेशा मैंने अपने वीडियोज़ में बोला है, दैट इज़ लर्न एनी टाइम एनी वेयर। तो अनअकैडमी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसको कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस के बहुत सारी खूबियाँ, इनको डिटेल में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में समझा रखा है, तो दोस्तों आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए करना क्या है आपको, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब तो गेट 2020 ऑलमोस्ट आने वाला है, तो मैं तो बोलूँगा कि केवल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लें जो लोग गेट 2020 देने वाले हैं। कौन सा गेट 2020, वो लोग केवल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लें। बाकी जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, जिनको गेट 2021 या 22 देना है, तो आई विल सजेस्ट कि दे कैन गो फॉर 12 मंथ और द 24 मंथ। ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले दोस्तों, फी पे करने से पहले इस कोड को याद कर लो, GPS Live। क्या कोड है? GPS Live। जैसे आप इस कोड को डालेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का? 10% का। तो जो भी फी यहाँ पर शो हो रही होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 25,000 यहाँ पर शो हो रही है, ये 12 महीने की फीस है, और टोटल 24 महीने की फीस है 40,000। ठीक है, तो जैसे ही आप इनको इस कोड को डालेंगे GPS लाइव को, किसी भी सब्सक्रिप्शन में इस कोड को डालने से लेने से पहले इस कोड को डाल दीजिए, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो फीस यहाँ 25,000 है, इसमें से 2,500 रुपये कम हो जाएंगे। इधर टोटल फी 24 महीने की 40,000 रुपये ये लिखा हुआ है, लेकिन कितनी हो जाएगी? 36,000। 4,000 रुपये एंटीमेंट कट हो जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, गेट सेक्शन या IS के सेक्शन को चूज़ करना है, GPS लाइव कोड डालना है, पेमेंट पर क्लिक करनी और आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो उस दिन लास्ट लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे थे, और हम लोग BMD बनाने वाले थे, इतने में क्या हो गया था, नेट की कनेक्टिविटी चली गई थी, नेट बंद हो गया था। तो आइए दोस्तों, इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सिखा चुका हूँ, क्या सिखा चुका हूँ, मैं एक बार रिवीजन करवा दूँ आपको, मैं ये सिखा चुका हूँ DF/DX क्या होता है, लोड होता है ना, अलोंग विद माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब क्या है? डाउनवर्ड। और DF/DX क्या होती है? इट इज द स्लोप। किसकी स्लोप? दिस इज द स्लोप ऑफ शीयर फोर्स डायग्राम। शीयर फोर्स डायग्राम की स्लोप होती है, क्योंकि एफ क्या है? शीयर फोर्स है। तो इट इज द स्लोप ऑफ द शीयर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू -W। माइनस साइन को मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि उसका मतलब केवल इतना है कि लोड इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो स्लोप यानी कि थीटा ऑफ SFD किसके बराबर होता है? लोड के बराबर होता है। तो हमने यहां से ये चीज सीखी थी कि अगर लोड बढ़ेगा तो थीटा ऑफ SFD को क्या कर देंगे? आप बढ़ा देंगे, मतलब स्लोप ऑफ SFD को आप बढ़ा देंगे। अगर लोड घटेगा तो स्लोप ऑफ SFD को आप लोग घटा देंगे। यही सीखा था हम लोगों ने दोस्तों,
ठीक है। नाउ इसके अलावा हमने एक चीज और सीखी थी, वो क्या थी, डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू शीयर फोर्स, और डी एम बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इट इज द स्लोप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। क्यों, क्योंकि ये एम क्या है, बेंडिंग मूवमेंट है, तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट किसके बराबर होती है, शीयर फोर्स के बराबर होती है। तो यहां से क्या आ गया, थीटा ऑफ बी एम डी इक्वल टू शीयर फोर्स। तो अगर शीयर फोर्स बढ़ेगा तो थीटा ऑफ बी एम डी को आप लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, अगर शीयर फोर्स घटेगा तो थीटा ऑफ बी एम डी को आप कम कर देंगे, मतलब स्लोप ऑफ बी एम डी को कम कर देंगे, और अगर शीयर फोर्स बढ़ रहा होगा तो स्लोप ऑफ बी एम डी हम बढ़ा देंगे, यही हमने सीखा था। तो देखिए दोस्तों, चेक करते हैं स्लाइड में क्या दिख रहा है हमें, ये हमने एस एफ डी बनाया, क्या बनाया, एस एफ डी। ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाला मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको। तो देखिए ए से लेके बी तक जाने में, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये हमारा लोडिंग डायग्राम है। कैसा डायग्राम है ये वाला, पीला वाला जो मैंने अंडरलाइन वो हाइडलाइट जो कर रखा है, ये कौन सा डायग्राम है, लोडिंग डायग्राम है। कैसा डायग्राम है, लोडिंग डायग्राम, और लोडिंग डायग्राम के नीचे हम बनाते हैं एस एफ डी, और एस एफ डी के नीचे बनाते हैं बी एम डी। तो लोड चेक करते हैं, लोडिंग डायग्राम लोड को बता रहा है, तो ए से लेके बी तक क्या हो रहा है, लोड बढ़ रहा है। चेक करो यहाँ पे जीरो मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो गया, बी पे पहुंचते पहुंचते डब्ल्यू हो जा रहा है, ये डब्ल्यू मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यानी ए से लेके बी तक लोड बढ़ रहा है, तो स्लोप ऑफ एस एफ डी भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, लोड, लोड किसका स्लोप होता है, लोड होता है एस एफ डी का स्लोप, और शियर फोर्स किसका स्लोप होता है, बी एम डी का स्लोप। इस बात को हमें याद रखना। तो पहले हम एस एफ डी बनाने जा रहे हैं, तो एस एफ डी बनाने के लिए हम लोड को देखेंगे। तो ए से लेके बी तक लोड बढ़ रहा है, इसीलिए ए से लेके बी तक स्लोप ऑफ एस एफ डी, स्लोप ऑफ एस एफ डी भी बढ़ना चाहिए। ए से लेके बी तक स्लोप ऑफ एस एफ डी भी बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों चेक कर लो, मैंने आपको उस दिन स्लोप दिखाना देखना बताया था कैसे स्लोप हमें चेक करनी है। तो चेक करो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट डाल के चेक कर लो कि ए से लेके बी तक जाने में स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे टेंजेंट डालूंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, और यहाँ पे टेंजेंट डालूंगा तो थीटा दिस मच, बीच में टेंजेंट डालूंगा थीटा दिस मच। तो आप देख सकते हैं कि ए से लेके बी तक जाने में थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ए से लेके बी तक लोड बढ़ रहा है, तो इसीलिए ए से लेके बी तक स्लोप ऑफ एस एफ डी भी बढ़ना चाहिए। तो ये हमारा एस एफ डी बन गया था। अब हम बात करने जा रहे थे बी एम डी की, तो पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो ए पे आ जाइए, ए पॉइंट पे, ए पे खड़े हो जाओ, मैग्नीट्यूड चेक करना है बेंडिंग मूवमेंट का। तो मैंने क्या सिखाया है, ए पे खड़े हो जाओ और ए के लेफ्ट हैंड पे चेक करो, तो ए के लेफ्ट हैंड पे कुछ भी नहीं है, कितना हो गया, बेंडिंग मूवमेंट जीरो हो गया। अब आ जाओ बी पे, जब बी पे आप खड़े होंगे तो बी के लेफ्ट हैंड में ये ट्राइंगल दिखाई देगा आपको, और इस ट्राइंगल का टोटल मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका एरिया होता है, मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका टोटल एरिया कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू आ जाता है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है। टोटल मैग्नीट्यूड कितना होता है, डब्ल्यू एल बाई टू, और ये काम कहाँ करेगा, बी पॉइंट से एल बाई थ्री पे काम करेगा। दिस डिस्टेंस इज एल बाई थ्री, दिस डिस्टेंस इज एल बाई थ्री, एल बाई थ्री पे ये काम करेगा। तो एम बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, चेक करो, ये डब्ल्यू एल बाई टू टोटल लोड हो गया, ये रहा, ये टोटल लोड इस बी पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस लगा दिया, और मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू डिस्टेंस कितनी है बी पॉइंट से, ये वाली लेंथ कितनी हासिल गया था, एल बाई थ्री, एल बाई थ्री कितना हो गया दोस्तों टोटल, माइनस का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स, ये आ गई एम बी की वैल्यू आ गई। तो चलिए बी एम डी ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ए पे बेंडिंग मूवमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो है, बी पे कितना है, बी पे है माइनस का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स। अब हमें वेरिएशन देना है, अगर लीनियर होता तो मैं चुपचाप से ऐसे बना देता, लेकिन लीनियर नहीं है, कैसा कर्व बनेगा, ये कैसा कर्व बना है, ये क्यूबिक बना है, सॉरी इसका ऑर्डर कितना है, एक्स की पावर टू वाला कर्व है ये, और ये कैसा बनेगा, अब ये बनेगा एक्स की पावर थ्री वाला कर्व, क्यूबिक कर्व बनेगा। अब क्यूबिक कर्व बनेगा तो दो तरह से बन सकता है, या तो वो ऐसे बनेगा या फिर वो ऐसे बनेगा, यही सिखाया मैंने आपको। अब हमें चेक करना है कि कौन सा सही है, तो उसके लिए हम किसको देखेंगे, अब उसके लिए हम देखेंगे एस एफ डी को, किसको देखेंगे, एस एफ डी को, शीयर फोर्स डायग्राम को देखेंगे, किसको देखेंगे, शीयर फोर्स डायग्राम को, उसके लिए हम शीयर फोर्स डायग्राम को देखेंगे, एस एफ डी को देखेंगे। तो चेक करो, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक जाने में शीयर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेक करना है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहां पर जीरो,
फिर यहाँ और बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, और बी तक आता है तो कितना हो गया WL/2, यानी मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। और हमने अभी क्या सीखा इधर देखो, अगर शीयर फोर्स बढ़ेगा तो स्लोप ऑफ बीएमडी बढ़ेगा, अगर शीयर फोर्स घटेगा स्लोप ऑफ बीएमडी घटेगा। तो मेरे दोस्तों ए से लेके बी तक शीयर फोर्स बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड देखना है केवल। ए पे जीरो और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है WL/2, यानी कि शीयर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अगर शीयर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो स्लोप ऑफ बीएमडी क्या होगा, स्लोप ऑफ बीएमडी भी बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों बढ़ता घटता कर्व मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो आप जानते हैं कि ये तो लीनियर है, इसको तो हटा ही दो। अब ये दो कर्व बनते हैं, या तो ऐसा कर्व बनना चाहिए या फिर ये वाला कर्व बनना चाहिए, यस और नो, ये दो कर्व बनने चाहिए। तो हमें क्या चेक करना है कि स्लोप, हमें चेक करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एसएफडी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एसएफडी बढ़ रहा है इसलिए स्लोप ऑफ बीएमडी भी बढ़ेगा। तो देखो दोस्तों इसकी स्लोप आप जानते हैं घट रही है, तो उसको मैंने हटा दिया, उसकी स्लोप कैसी है बढ़ती हुई है, तो ये हमारा बन जाएगा क्यूबिक कर्व। उसके बाद क्या डायग्राम पूरा हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पे भी हमें देख रहे हैं कि हमारा डायग्राम जीरो लाइन को टच नहीं करा, तो अभी हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे एक क्लॉक वाइज कपल मिल जाएगा MR, जिसकी वैल्यू कितनी है WL²/6, तो नेगेटिव WL²/6 और पॉजिटिव WL²/6 मिलके क्या हो जाएगा जीरो, खत्म। यहां से आप नेगेटिव साइन को डिलीट कर देंगे, यहां लिख देंगे क्यूबिक कर्व, मतलब x की पावर 3 वाला कर्व है ये, और यहां नेगेटिव लगा देंगे और इस तरह हैचिंग लाइन कर देंगे, आपका BMD तैयार। इस केस में SFD और BMD दोनों देखने में एक से होते हैं, अंतर केवल इतना है कि ये कर्व पैराबोलिक है और ये कर्व क्यूबिक है, ठीक है। ये x की पावर 2 के साथ चलेगा, x की पावर 3 के साथ चलेगा, ठीक है। इसके अलावा चेक करो यहाँ पर कितने कंसंट्रेटेड कपल है, एक, तो एक डंडा आपके डायग्राम में बन गया, ये रहा, यही से कहा है मैंने आप लोगों को, ठीक है। एक जितने भी कंसंट्रेटेड लोड उतने डंडे आपके डायग्राम में। तो इस तरह से SFD और BMD बनाना बड़ा ही आसान है दोस्तों, बस याद रखना है क्या, ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस पर जाके बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाइए, चेक करिए एक बार जाके कि इस तरह के क्वेश्चन आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे मूव करते हैं, और अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको, वो कराऊंगा मैं किसके ऊपर, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर। अभी तक हमने जो भी SFD BMD बनाया कैंटिलीवर के ऊपर बनाया, अब हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर। Simply supported beams, SFD and BMD for simply supported beam, mind it please. अब जो भी हम SFD BMD बनाएंगे वो simply supported beam के लिए बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन उठाते हैं सबसे पहले, ध्यान रखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए SFD BMD कतई आसान होता है, ये और भी आसान होता है व्हेन कंपेयर टू कैंटिलीवर। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसको सिंपली सपोर्टेड क्यों बोलते हैं, ये ऐसी क्यों बनती है, एक तरफ हिंज सपोर्ट होता है एक तरफ रोलर सपोर्ट होता है, इसको जानने के लिए प्लस को ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं इसका आंसर दूंगा अनअकैडमी प्लस पर जो मैं कोर्स लेने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं केवल यहाँ पर क्रैश कोर्स करा रहा हूँ गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आपको जानना है कि ये ऐसी क्यों होती है, एक तरफ हिंज सपोर्ट होता है एक तरफ रोलर सपोर्ट होता है, व्हाई इट इज सो, ऐसी चीजों को जानने के लिए बेटा प्लस को ज्वाइन करो, वहां पे पूरा डिटेल में कोर्स चलेगा, यहाँ पे केवल जो चल रहा है वो क्रैश कोर्स चल रहा है अभी, ठीक है। और प्लस को ज्वाइन करो तो वहां पे डिटेल में मैं सारी चीजों का आंसर दूंगा कि व्हाई इट इज सो, ऐसा ही क्यों है ये, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो क्वेश्चन है कि एक बीम है, AB बीम है जो सिंपली सपोर्टेड है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो L है, और इट इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड W एट मिड स्पैन, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है, इसको C नाम दे दिया मैंने, ये मिड स्पैन है, मतलब कि ये डिस्टेंस L/2 है और ये डिस्टेंस L/2 है। आपको इसके लिए SFD और BMD ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनेंगे, किसी भी SFD और BMD के लिए सबसे पहला काम होता है रिएक्शंस फाइंड आउट करना, रिएक्शंस निकालना। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चे रिएक्शन निकालना जानते होंगे और साफ साफ इसमें दिख भी रहा है कि रिएक्शन क्या आने वाली है, लेकिन मैं भी आपको पूरा मेथड बता रहा हूँ रिएक्शन निकालने का, ठीक है।
ये ए पॉइंट जो कि हिंज है और ये बी पॉइंट जो कि रोलर सपोर्ट है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी भी एस एफ डी और बी एम डी के लिए हम क्या निकालेंगे, रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहली इक्वेशन जो अप्लाई करेंगे वो ये है कि समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सारे वर्टिकल फोर्स का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन कौन से वर्टिकल फोर्स हैं, अब यहाँ पे चेक करो ये कौन सी सपोर्ट है, ये हिन सपोर्ट है, हिन सपोर्ट पे वर्टिकल रिएक्शन आता है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आ गया आर ए, एक रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा आर बी। अब ये क्वेश्चन क्या बोलती है, ये क्वेश्चन बोलती है कि सारे लोड का समीशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो बेटा आर ए प्लस आर बी, ये दोनों अपवर्ड लोड है, ऊपर की तरफ काम करेंगी रिएक्शंस, इन दोनों रिएक्शंस का सम किसके बराबर होना चाहिए, डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए। इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, यानी कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक मस्ट बी इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, ठीक है। जितने भी डाउनवर्ड फोर्स है, डब्ल्यू डाउनवर्ड काम कर रहा है, बाकी के आर ए आर बी ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, तो इन सबका समीशन क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू। अब दो अननोन है, आर ए और आर बी, और डब्ल्यू हमारा अप्लाइड लोड है। अब हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है, तो एक दो अननोन है आर ए और आर बी, अभी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए के अबाउट, ए पॉइंट हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट पे मूवमेंट क्या होता है बेटा, जीरो होता है, तो मूवमेंट को ए पे क्या कर दो, सारे लोग मिलके जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो ए पे मूवमेंट को जीरो करते हैं, तो ए पे खड़े रहना है, ए पे खड़े रहिए और सारे लोड की वजह से मूवमेंट को जीरो कर दो। यहां लिख देता हूं, तो सबसे पहले तो ए पे खड़े रहो, सबसे पहले आर ए मिला, आर ए, ए से इसकी डिस्टेंस कितनी है ए पॉइंट से, जीरो। डब्ल्यू की बात करिए, ए पे खड़े रहिए, डब्ल्यू ए पॉइंट को किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो प्लस डब्ल्यू इन टू डिस्टेंस कितनी होगी इसकी डब्ल्यू की ए पॉइंट से, यहां से लेकर यहां तक एल बाई टू। फिर आइए इधर बी पॉइंट पे, ये सॉल्व हो गया, आर ए ले लिया हमने, डब्ल्यू ले लिया, तीसरा क्या बचा, आर बी बचा है, आर बी ए पॉइंट को किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस लगा दिया, लोड की वैल्यू आर बी है इन टू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए पॉइंट से, ए पॉइंट से टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक L, और इन सबका समीशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहां से कितना आ गया बेटा, डब्ल्यू एल बाई टू इक्वल टू आर बी इन टू एल, एल से एल कैंसिल आउट, आर बी कितना आ गया, डब्ल्यू बाई टू। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो सर, ये तो हमें रिएक्शन निकालना आती है, तो मेरे दोस्तों आती सबको, सबको सब कुछ है, लेकिन आप लोगों से रिएक्शन ही नहीं निकलेगी अगर आपने बेसिक मेथड नहीं समझा। अभी क्वेश्चन ईजी है, इसलिए आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं सर ये तो हमें पता है डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू बाई टू आ जाएगा, डब्ल्यू बाई टू आ जाएगा, आ जाएगा, आई नो दैट, लेकिन मैं बेसिक्स क्लियर करना चाह रहा हूं। जब भी सिंपली सेपरेटेड बीम का क्वेश्चन आएगा, सुन लो ध्यान से, तब तब आपको ये दो काम करने हैं, एक तो सबमिशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये वाली इक्वेशन बना लेनी है। दूसरा, चाहे कोई भी सिंपली सेपरेटेड बीम हो, आप ए पॉइंट पे मतलब इस वाले एंड पे मूवमेंट को जीरो कर दो, दैट्स इट, सारे मूवमेंट को सम ले लो। एलजेब्रिक सम, एलजेब्रिक सम का मतलब होता है साइन को देखते हुए, ये वाला डब्ल्यू क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये वाला डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो साइन को देखते हुए इस वाले इक्वेशन से एक रिएक्शन निकल आएगी, और फिर यहां से आर बी आ गया, और उस आर बी को यहां पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, यहां से आर ए कितना आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी की जगह पर क्या पुट कर दिया मैंने, डब्ल्यू बाई टू इक्वल टू डब्ल्यू, तो यहां से आर ए कितना आ गया दोस्तों, आर ए आ गया डब्ल्यू बाई टू। आई नो बहुत सारे बच्चों को ये बात पता होगी कि सर ये रिएक्शन निकालना हमें आती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको रिएक्शन नहीं आती होगी, तो प्लीज सुन लो। सिंपली सॉल्वड बीम में दो इक्वेशन लगती हैं, एक लगती है वर्टिकल फोर्स वाली इक्वेशन और एक लगती है मूवमेंट वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से आपकी रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएंगी, चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन रिएक्शन को आप लोग बहुत आसानी से इन दो चीजों की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो दोनों रिएक्शन आ चुकी है, एक आ चुकी है आर ए जिसकी वैल्यू कितनी आई है डब्ल्यू बाई टू इधर, और एक आर भी आ चुकी है जिसकी वैल्यू अगेन आई है डब्ल्यू बाई टू। बाकी याद रखेंगे अगर सिमेट्रिक लोडिंग होती है, चेक करो ये सिमेट्रिक लोडिंग है, इस पूरी लोडिंग लोडेड बीम की बात करूं, ये जो बीम है ये सिमेट्रिकली लोडेड बीम है ना, तो जब सिमेट्रिकली लोडिंग होती है दोस्तों, तब क्या होता है, तब दोनों सपोर्ट पर सेम रिएक्शन आ जाती है, मतलब टोटल अप्लाइड लोड कितना है डब्ल्यू, तो टोटल लोड अप्लाइड डब्ल्यू है, तो आधा लोड ये ले लेगा, आधा लोड ये वाला सपोर्ट ले लेगा, यानी इसलिए ए पे रिएक्शन कितनी आएगी डब्ल्यू बाई टू, और बी पे रिएक्शन कितनी आएगी डब्ल्यू बाई टू। तो लेकिन इसको रटना नहीं है, क्योंकि कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि लो बीम सिमेट्रिक है या नहीं,
तो उस केस में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो लोडिंग अगर सिमेट्रिक नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए आप हमेशा इसी क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हमारे पास क्या आ चुका है, फाइनली हमारे पास रिएक्शंस आ चुकी हैं। यहां पर रिएक्शन आई है ए पॉइंट पे W बाई टू, और बी पॉइंट पे भी रिएक्शन आई है आर बी, जिसकी वैल्यू है W बाई टू, और मिड पॉइंट पे लोड लगा हुआ है W। ये है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है सेंटर पॉइंट C। मैंने आपको सिखाया है कि जैसी रिएक्शन आती हैं आप SFD और BMD ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों SFD ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है। ड्रॉ करने जा रहे हैं हम लोग एस एफ डी शियर फोर्स डायग्राम। तो पॉइंट लोड का शियर फोर्स डायग्राम बनाइए, बड़ा ही आसान होता है, पहले भी बता चुका हूं मैं। पॉइंट लोड के लिए शियर फोर्स डायग्राम बड़ा ही आसान है। तो चलिए लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ए पे पहुंचे, ए पे मुलाकात हुई डब्ल्यू बाई टू से, ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ऊपर का मतलब पॉजिटिव। तो ऊपर वाली डायरेक्शन में आपने एक डंडा खड़ा कर दिया W बाई टू, फिर A से लेके B तक कांस्टेंट, A से लेके C तक कांस्टेंट, दैट इज W बाई टू। फिर जैसे ही आप C पे पहुंचे आपकी मुलाकात इस वाले W से हुई, और ये W किधर काम कर रहा है दोस्तों, ये काम कर रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब नेगेटिव। तो आपके पास टोटल लोड कितना था, पहले से W बाई टू था, फिर C पे पहुंच के आपको क्या मिल गया, माइनस का W मिल गया। माइनस क्यों बोल रहा हूँ उसे मैं, क्योंकि डाउनवर्ड काम कर रहा है। कितना हो गया दोस्तों ये, माइनस का W बाई टू, यानी वहीं की वहीं आप कहाँ पहुंच गए, माइनस में W बाई टू। उसके बाद C से लेके B तक कांस्टेंट बना रहेगा, दैट इज माइनस W बाई टू। फिर जैसे ही B पे पहुंचे आपकी मुलाकात हो गई RB रिएक्शन से, जो कि ऊपर की तरफ काम कर रही है, ऊपर का मतलब पॉजिटिव। तो आपके पास टोटल लोड था कितना पहले से, W बाई टू नेगेटिव का, और फिर RB और मिल गया, RB किधर काम कर रहा, ऊपर, ऊपर का मतलब पॉजिटिव। वैल्यू कितनी है W बाई टू, कितना होगा मिलके, जीरो। तो यहाँ पे ये मिलके क्या हो गए, दोनों जीरो हो गए, और हमारा डायग्राम किसको टच कर गया, जीरो लाइन को टच कर गया। यही सीखा हम लोगों ने, यहां लिख देंगे पॉजिटिव और यहां लिख देंगे नेगेटिव, और यहां से इस साइन को हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एसएफडी बन जाएगा दोस्तों। चेक करिए कि आपके इस डायग्राम में टोटल कितने कितने कंसंट्रेटेड लोड दिख रहे हैं आपको, एक ये दिख रहा है W, एक W बाई टू इधर दिख रहा है, और एक W बाई टू इधर दिख रहा है, तीन W बाई टू, तीन कंसंट्रेटेड लोड है। तो आपके डायग्राम में कितने डंडे होने चाहिए, तीन डंडे होने चाहिए, चेक करो। एक डंडा ये रहा, ये रहा A पे, एक डंडा C पे, ये रहा, और एक डंडा B पे। तो तीन कंसंट्रेटेड लोड, तीन डंडे, सिंपल खत्म। चलिए अब बनाते हैं BMD। BMD कतई आसान है, और भी आसान होता है। तो BMD के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बेंडिंग मूवमेंट। तो A पे खड़े हो जाओ, M A, A पे खड़े हो जाओ, जरा A पॉइंट, A के लेफ्ट हैंड में कुछ है, कुछ भी नहीं है, जीरो हो गया। C पे खड़े हो जाओ, M C, C पे खड़े हो जाओ, जरा C, C के लेफ्ट हैंड में क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है A वाला लोड है ना, C के लेफ्ट हैंड में, ये C पॉइंट है, C के लेफ्ट हैंड में ये दिख रहा है। कलर को चेंज कर ले रहा हूं मैं, कलर ले रहा हूं मैं रेड, ताकि आपको आसानी से देखे। तो ये C पॉइंट के लेफ्ट हैंड में क्या है, C पॉइंट के लेफ्ट हैंड में ये W बाई टू का लोड है, बस दैट्स इट। और ये W बाई टू का लोड C पॉइंट को किधर घुमाएगा, ये W बाई लोड C पॉइंट पे खड़े रहिए तो किधर घुमाएगा, क्लॉक वाइज। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, W बाई टू इंटू डिस्टेंस कितनी है, इंटू डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक L बाई टू, कितना हो गया दोस्तों L बाई टू, तो कितना आ गया आंसर, डब्ल्यू एल बाई फोर। डायरेक्टली कूद जाओ बी पे। अच्छा अगर मान लो, मैंने एक और चीज, अगर मान लो सी पे कंसंट्रेटेड कपल होता, मान लो इन केस, वैसे है नहीं, मान लो ऐसे करके कपल और होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एम सी डैश, यही पढ़ाया मैंने, एम सी डैश और लेते, तब इसको हम ऐड करते हैं ना, बट फिलहाल नहीं है। तो हम डायरेक्टली कहाँ भाग जाएंगे, हम बी पॉइंट पे कूद जाएंगे। ये सब मैंने पढ़ा रखा बेटा प्रीवियस वीडियोज में आपको। चलिए तो डायरेक्टली कूदते हैं बी पॉइंट पे, एम बी,
क्या सीखा है हम लोगों ने, हम लोगों ने सीखा है कि डायरेक्ट बी पे कूदो, बी पे कूद गए, अब बी के लेफ्ट हैंड में कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक तो ये वाला ए वाला लोड है और एक ए वाला लोड है सी वाला, दोनों का एलजेब्रिक सम ले लेते हैं। तो ये किधर घुमाएगा, डब्ल्यू बाई टू बी पॉइंट को किधर घुमाएगा, बी पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो डब्ल्यू बाई टू इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक बी पॉइंट तक की डिस्टेंस हो जाएगी एल, और ये डब्ल्यू किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक, एल बाई टू। बेटा दोनों कट जाएंगे, कितना अंतर आ जाएगा, जीरो, एम बी इक्वल टू जीरो। अब याद रखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के सपोर्ट्स पे, क्योंकि सपोर्ट्स कौन कौन से हैं, सपोर्ट चेक करो, सपोर्ट ए है और सपोर्ट बी है, दो सपोर्ट्स हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम के सपोर्ट्स पे मतलब जितने भी सपोर्ट्स होंगे, दो सपोर्ट्स होंगे, ए सपोर्ट्स और बी सपोर्ट, दोनों सपोर्ट्स पे मूवमेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होगी जब तक हम खुद से अप्लाई ना करें। आ रही बात समझ में, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए सपोर्ट्स पे, चाहे वो ए सपोर्ट्स हो चाहे बी सपोर्ट्स हो, दोनों सपोर्ट्स पे मूवमेंट की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा जीरो आएगी। कब तक, जब तक खुद से हम कोई कपल लाइक इस तरह से खुद कपल ना अप्लाई करते हैं, लाइक दिस, इस तरह से कोई कपल ना लगा दें, तब तक वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इसका बीएमडी ड्रॉ करते हैं, जो कि कतई आसान है। ये बन गई बीम, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। दोस्तों ए पे मूवमेंट कितना है, जीरो, बी पे कितना है, जीरो, सेंटर में कितना आ रहा है, डब्ल्यू एल बाई फोर, यही वैल्यू आ रही है। और चूंकि पॉइंट लोड है तो वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर, तो आंख बंद करके इसे इससे मिला दिया और इसे इससे मिला दिया, क्या बन गया ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बी एम डी। वेरिएशन कैसा होगा यहां पे, एक्स की पावर वन। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा ही आसान है एस एफ डी और बी एम डी को बनाना। ठीक है, तो इस तरह से अब आप जाइए एक बार घर पे क्वेश्चन लगाइए। ठीक, बाकी मैं जानता हूँ डिले हुआ है चीज़ों में और थोड़ा सा चीज़ें अच्छी खासी चल रही थी, बट गवर्नमेंट की पॉलिसी की इसकी वजह से थोड़ा सा जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी वजह से नेटवर्क का इशू आया, नेट को बंद कर दिया गया, तो नो डाउट कहीं ना कहीं चीज़ें बेटा ख़राब हुई हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। कल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कल या परसों में। ठीक है, तो प्लस पे भी क्लास चालू करूंगा, बट मैं क्या करूँ, कई बार मैं कोशिश करता हूँ बट नेट बंद हो जाता है, नेट ही नहीं चल रहा था, बट आई होप कि अब चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी, है ना, नेट का इशू ना हो, आई होप कि चीज़ें शांत हो जाएं, जो भी प्रोटेस्टर्स हैं वो ना करेंगे प्रोटेस्ट अब, तो थोड़ा सा मामला शांत होगा तो चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आगे चीज़ें बढ़िया होंगी। बाकी जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि दोस्तों अभी तो जो गेट के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, गेट 2020 के हिसाब से, बट जैसे ही मैं प्लस पे आऊँगा तो वहाँ पे बस सारा का सारा सिलेबस फिर गेट 2021 और 22 के लिए होगा और डिटेल में होगा, इन डेप्थ होगा, जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स के मैं जवाब दूंगा, सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो यहाँ पे जो सिलेबस मैं करा रहा हूँ वो गेट 2020 के लिए करा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ केवल कंसेप्ट बता दिया, क्वेश्चन करा दिया, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे पूरी डिटेल होगी कि सिंपली सपोर्टेड बीम इसे क्यों बोलते हैं, क्यों इस पे दो तरह की ऐसी सपोर्ट होती है, तो हर चीज़ का जवाब वहाँ पे मिलने वाला है आपको दोस्तों, तो उसको ज्वाइन कर लो एक बार। ठीक है, बाकी आपको जो भी दिक्कत आती है आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो। ठीक है, कुछ दिनों से नेट बंद था तो मैं भी मैसेज नहीं देख पाया हूँ, तो उस चीज़ को भी मैं देख लूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करिए थोड़ा सा, है ना, और परेशान मत होइए, चीज़ें सब बढ़िया होंगी, अपने ऊपर बिलीव करिए, क्योंकि बिलीविंग योर सेल्फ इज द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस। तो लाइफ में किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ है वो होती है आपका बिलीफ सिस्टम। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो भी अब तक पढ़ा है वही सब कुछ सही है, उसी पे आगे बढ़ना है आपको, अपने ऊपर बिलीव रखिए कि आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो और आगे अच्छा होगा। ठीक है, तो ये एस एफ डी बी एम डी था, सिंपली सपोर्टेड बीम का बनाना बहुत ही आसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके सिरों पे तो बेंडिंग मूवमेंट जीरो आना ही आना है, क्योंकि 90% केसेस में हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में इस तरह से कोई कपल नहीं लगाते हैं। ठीक है, जब कपल हम नहीं लगाते एंड में, तो उसके लिए मूवमेंट की वैल्यू हमेशा जीरो आने वाली है, और लगा देंगे तो भी घबराना नहीं है, तो उस केस में ये डंडा बन जाएगा वहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया कि जितने कंसंट्रेटेड कपल उतने डंडे, तो फिलहाल इस केस में कोई कंसंट्रेटेड कपल नहीं था तो कोई डंडा नहीं था। ठीक है, आपके डायग्राम में कोई डंडा नहीं, चेक कर लो, कोई भी डंडा नहीं है कहीं भी, तो उस डंडे वाले कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो बेटा प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। बाकी इस केस को आपको याद रखना है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये।
हाईलाइट में इसलिए कर रहा हूँ, ये बीएमडी है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये पीएसयूज के अंदर, कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम में मिड पॉइंट पर डब्ल्यू लोड लग रहा है तो उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो ये वैल्यू दोस्तों आपको याद रखनी है कितनी होगी। दिस वैल्यू इज बेंडिंग मोमेंट मैक्स, ठीक है, एम मैक्स जो होगा यहाँ पे दैट इज डब्ल्यू एल बाई फोर। ऑलवेज रिमेंबर कितनी वैल्यू होगी, डब्ल्यू एल बाई फोर फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पीएसयूज के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, कल मुलाकात होगी। चीज़ें रैंडम पे लौट रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें वापस आ रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग भी, और पढ़ाई पे कंटिन्यूटी प्लीज़ बरकरार रखिएगा, बिल्कुल पढ़ाई को तोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई टूटेगी तो बेटा फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप, है ना। तो अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक मत होने दीजिए, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो नेट नहीं है, ये नहीं है, इन सब चक्करों में परेशान नहीं होना आप लोगों को, ठीक है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द ओनली की, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट आपको, लाइक कर दो तो सब्सक्राइब कर दो, है ना, और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।